बहुत सारे लोग अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग से परेशान रहते हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये स्वेटिंग ज़्यादा क्यों होती है और आज की डेट में कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मालाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके अंडर आर्म्स में स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। जरा सी भी गर्मी ज़्यादा हुई तो स्वेटिंग से वो बहुत परेशान रहते हैं और बरसात के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिनके दोनों हाथों में, पाम्स में और पैर के तलवों में, सोल्स में हर सीज़न में स्वेटिंग होती रहती है। तो आखिर ये है क्या? एक्चुअली ये जो स्वेटिंग है, एक्सेस स्वेटिंग है, इसको हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस के बहुत सारे कारण हैं। ये आपके जेनेटिक भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है, मतलब कि किसी और रीज़न की वजह से भी हो सकती है। अंडर आर्म्स में, जब हम पर्टिकुलरली अंडर आर्म्स की बात कर रहे हैं आज, अंडर आर्म्स में जो स्वेटिंग है वो जनरली जेनेटिक रीजंस की वजह से ज़्यादा होती है। कभी कभी इमोशनली भी कोई पेशेंट ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो भी ये स्वेटिंग बढ़ जाती है। अंडर आर्म्स में जो स्वेटिंग है, इसके लिए एंटी परस्पायरेंट हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड कंटेनिंग जेल्स हैं, स्प्रे हैं, ये मेनली यूज़ किए जाते हैं। पर जब ये बहुत ज़्यादा होती है तो ये जेल्स और स्प्रे भी काम में नहीं आते हैं। तब हमें फिर पेशेंट को एंटी कोलिनर्जिक्स पे स्टार्ट करना पड़ता है। एंटी कोलिनर्जिक्स में भी फिर दो वैरायटीज़ आ जाती हैं। एक तो है कि जो हम लगाने के लिए दे सकते हैं, दूसरा हम ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं। पर एंटी कोलिनर्जिक का फिर ड्रॉबैक ये आ जाता है कि उसकी बॉडी के और भी जगह से स्वेटिंग कम हो सकती है। एक ऐसा उपाय चाहिए सब लोगों को जो कि आसानी से किया जाए और आपकी स्वेटिंग को कम कर दे, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो। तो इसमें जो मेन ट्रीटमेंट है वो बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन है। बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन मेनली बोटॉक्स नाम से मार्केट में मिलता है, पर इसकी अलग अलग ब्रांड्स भी हैं। हर ब्रांड के अपने अपने फ़ायदे हैं, कोई महंगी है, कोई सस्ती है, किसी का एक्शन लंबा है, किसी का एक्शन छोटा है, उस बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस, आपने सही गौर किया, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन बेसिकली एंटी एजिंग में यूज़ किया जाता है। आपके फेस की मसल्स में जो ओवर रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से रिंकल्स पड़ने लगते हैं, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका और भी मेडिकल यूजेस हैं, लाइक स्क्विंट में भी यूज़ किया जाता है। नेक मसल्स में यदि क्रैम्प्स आ गए तो उसको भी ठीक करने में किया जाता है। हाइपर हाइड्रोसिस में बोटॉक्स अंडर आर्म्स में एक लिमिटेड अमाउंट में लगाने से वो स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन जो हैं वो आपको 4 महीने से 6 महीने पे अंडर आर्म्स के लिए रिपीट करना पड़ेगा। और जब आप इसको 3-4 बार रिपीट कर लेंगे तब इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। फिर आपको हो सकता है 6 महीने पे लगवाना पड़े, फिर हो सकता है आपको 10 महीने पे लगवाना पड़े, या ये साल भर तक भी कंटिन्यू हो सकता है। परमानेंट इलाज यदि आप चाहते हैं तो वो सर्जिकल मेथड से हो सकता है। परमानेंट इलाज मतलब कि आपने एक बार ट्रीटमेंट करवा लिया और उसके बाद आपकी स्वेटिंग कम हो गई और आपको दोबारा कुछ नहीं करवाना पड़ रहा है। सर्जिकल डीबल्किंग में हम स्किन के नीचे जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, स्किन को हम सुन्न करने के बाद उन स्वेट ग्लैंड्स को स्क्रैप कर लेते हैं। इसको सर्जिकल डीबल्किंग बोलती हैं। अब सर्जिकल प्रोसीजर है, थोड़ा बहुत इसमें डैमेज भी हो सकता है, थोड़ा आपको कुछ दिनों के लिए अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। तो फ्रेंड, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप रेगुलरली बोटॉक्स इंजेक्शंस लेना चाहते हैं और ये आप सर्जिकल डीबल्किंग की तरफ जाना चाहते हैं। दोनों ही मेथड अच्छे हैं, दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन का एक और फ़ायदा है कि प्रोसीजर टाइम हार्डली 15 मिनट से 1 घंटे का रहता है, डिपेंड करता है कितना एरिया इन्वॉल्व हो रहा है। और उसके बाद आपको स्वेटिंग इतनी कम हो जाती है कि आप 4 महीने से 6 महीने तक स्वेटिंग फ्री हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार समराइज़ करना चाहता हूँ कि यदि आपको थोड़ी बहुत ही अंडर आर्म में स्वेटिंग है तो आप एल्युमिनियम क्लोराइड कंटेनिंग परस्पायरेंट लगा, एंटी परस्पायरेंट लगा सकते हैं। इससे भी आपकी स्वेटिंग जो है वो कम हो जाएगी। पर यदि ये कारगर नहीं हो रहा है तब आप बोटॉक्स इंजेक्शंस यानी कि बोटुलिनम इंजेक्शन या फिर सर्जिकल डीबल्किंग को चूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपकी और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।